पीएसएन न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। सुलेमान नगर डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद गौस की जानिब से चौथी बार राजेंद्र नगर बीआरएस एमएलए उम्मीदवार प्रकाश गौड की जीत हासिल होने की खुशी में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। अवाम में मिठाई तकसीम किए गए, साथ में सुलेमान नगर डिवीजन में रैली निकाली गई। अवाम ने मोहम्मद गौस की गुलपोशी करके मुबारकबाद दी। मोहम्मद गौस ने मीडिया के जरिए सुलेमान नगर डिवीजन की अवाम का शुक्रिया अदा किया। चौथी बार कामयाबी हासिल करने वाले एमएलए प्रकाश गौड को मुबारकबाद पेश की गई। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद खास चल के हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए पीएसएन न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुलेमान नगर डिवीजन के लेडीज, मेरे माँ बहना और जो भाया दोस्ता जितने भी पार्टी के वर्कर्स है, जिम्मेदार लोग है, इन लोग इंतजार कर रहे थे हमारे प्रकाश साहब का। जैसा रिजल्ट आगा, प्रकाश साहब जीत गए, उनके पूरे लोग जमा हो गए, 100-200 लोग मेरे ऑफिस में जमा हो गए। यहाँ पे जश्न मनाए, फटाके फोड़े, मिठाई तकसीम किया, फूलपोशी किया, शालपोशी किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुलेमान नगर के डिवीजन के आल कमेटीज और आल पब्लिक को मुबारकबाद देता हूँ। प्रकाश अल्लाह को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे बड़े जितने भी हैं हमारे साथ के, सबको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जय तेलंगाना, जय जय बीआरएस, जय प्रकाश अल्लाह। डिवीजन से जितने भी लेडीज है, जितने भी जेंट्स हमारे भाई हम फिर वो सब हमारी मेहनत कामयाब हुई। हम गौर भाई से जो भी हमारी जीत कामयाबी हुई, इसके लिए खुशी मनाने के लिए आए, मुबारकबाद देने के लिए आए। और प्रकाश अन्ना, आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं। हम सबकी तरफ से आपको मुबारक हो, जो भी जीत हमारी कामयाबी हुई। जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय प्रकाश अन्ना, जय प्रकाश अन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी माओ बहनों सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले मुबारकबाद दे रही हूँ प्रकाश गौड़ साहब को। हम सब चिंतन में के सुलेमान नगर के लेडीज़ के तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं आपको। और जो मेरे माओ बहनों सब मेहनत करे हैं, इतनी मेहनत करे हैं कि हम लोग खुद सोच रहे थे कि अगर नहीं आए तो, बल्कि हम रात दिन दुआ कर रहे थे आपके लिए। प्रकाश साहब आप जीत गए, हमको सब माओ बहनों की इतनी खुशी हुई कि हमारे घर के कोई मेंबर को कोई चीज़ मिल गई, बोले जैसा हम लोग इतनी खुशी मना रहे, जब से पटाखे फोड़ रहे। गौस भाई कहने आके गौस भाई को मुबारकबाद दे रहे, और गौस भाई भी इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने जो पैदल चले हैं, हम लोग देखे हैं, 25-30 साल से उनके साथ हम रहे, तो यहाँ आए जब से उनके हाथ पे ज़मीन लिए, घर बनाए, हम देख रहे हैं। मगर इतनी मेहनत पहली बार देखी मैं। उनकी तबीयत खराब भी है, पसीने जा रहे तो भी बेचारे इतना चढ़ रहे थे, पहाड़ है पहाड़ चढ़ के, आज उनकी मेहनत चीज़ हुई। प्रकाश साहब, गौस भाई का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम कि हम बहनों मेरे साथ जितने भी हैं ग्रुप के लेडीज, वो उन सब का, समीना का और तबसुम का और शमीम का, शहजादी आपा का और पंजुम का, मुनियापा का, जितने भी लेडीज हमारे साथ और भी है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। सब लेडीज ऐसी मेहनत करे हैं कि उनके घर में एक बार के काम नहीं करे हैं, मगर प्रकाश अन्ना के लिए हर गली का हर दरवाजा खटखटाकर हम लोग वोट मांगे हैं, मगर सब जने हमारी इज्जत रखे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर अब हम यहाँ आके शुक्रिया अदा मुबारकबाद देने को गौस भाई को आए, उसके लिए गौस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।